नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सूरज भान टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास Samsung का 310 फ़ोन आया है, जो कि इसकी लाइट नहीं आ रही है, तो इसको हम सही करके अभी आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए, टॉर्च बार के दिखा रहे हैं तो LCD में दिखा रहा है कि हाँ LCD सही है, LCD ठीक है, बस इसमें लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों को सही तरीके से जंपर मार के दिखाएंगे कि कैसे इसमें लाइट आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम थोड़ा अपना फ़ोन जो है पहले बंद कर लेंगे। देखिए, पूरी नई डिस्प्ले है और इसमें लाइट नहीं आ रही थी, तो अब हम इसमें लाइट लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहले हम इसको इस तरह खोल लेंगे और हम 8वें नंबर पे, ये देखिए पिन पूरा, आप लोग जूम करके देख लेना सही से, 8वें नंबर पे पिन लगाएंगे जम्पर, और इसमें जो काला डायबोर्ड है इसके निचले वाले हिस्से में हम जम्पर लगाएंगे, और उसके बाद वहाँ पे 8वें नंबर पे लगाएंगे, और वहाँ पे लगाएंगे और एक इधर ड्राइवर लगाएंगे, कहाँ से उसमें लगाएंगे तो एक ही लाइट जलेगी, एक इधर लगाएंगे एक उधर लगाएंगे, दोनों जम्पर लगाएंगे तो बढ़िया से एकदम पूरा बढ़िया काम करेगा। तो चलिए हम फटाफट जम्पर लगा लेते हैं। तो देखिए, 8वें नंबर पे लगाएंगे पहले हम, 8वें नंबर पे हम लगा चुके हैं, अब हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। देखिए, आप लोगों को समझ में नहीं आए तो थोड़ा जो है कि वीडियो रोक के देख लीजिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। और हम जम्पर, अब ये जो हमारी डायरेक्ट बटन वाली लाइट है उसमें जम्पर मारेंगे, वो जो डायबोर्ड है लाइट में नहीं, डायबोर्ड में, लाइट के बगल में डायबोर्ड लगा है उस पर हम जम्पर मारेंगे। तो ध्यान से देखिएगा तभी वीडियो समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग जम्पर मारेंगे अभी। अब देखिए, यहाँ पे जम्पर लग गया है, लेकिन ये जो है एक ही लाइट जलेगी, तो दूसरी लाइट जलाने के लिए हमको दूसरा जम्पर भी मारना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, वो भी हम आप करके दिखाएंगे। तो इसमें हम दो पिन छोड़ के उसके बाद उसी में लगाएंगे, वहाँ से दूसरे नंबर पर लगाएंगे, और फिर दोनों लाइट बराबर बढ़िया से जलेंगी। ठीक है, तो चलिए ये भी लगा के दिखाएंगे आपको। तो हमारा जो है ये भी लग गया, ये लग गया, ये देखिए ध्यान से देख लीजिए, दूसरे नंबर पे है, फर्स्ट वो है, सेकंड छोड़ के थर्ड वाले पे लगाएंगे। इस पर लगाने के बाद अब हम इसका जो है दूसरे वाले डायबोर्ड पे लगाएंगे, लगाने पर पूरा प्रॉपर एकदम काम करेगा, दोनों बढ़िया काम करेगा, दोनों पूरी लाइट अच्छे से जलेंगी, तो उजाला जो है पूरा एकदम बढ़िया दिखाई देगा। अगर हम एक ही जम्पर मारेंगे तो बढ़िया सा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए इस पर भी हम मार लेते हैं। देखिए, निचले वाले हिस्से पर मारना है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी हम मार के देखते हैं, और हमारा नीचे वाला भी देखिए हो गया। अब हम इसको चालू करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि लाइट कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही। ठीक है, देखिए ऐसे बढ़िया से आप लोग मार दीजिएगा, उसके बाद जम्पर मारने के बाद अगर सही हो जाए तो टेप मार दीजिएगा, टेप मारने के बाद दिक्कत नहीं आती है। ये हमारे पास मीटर है चालू करने वाला, आप बैटरी से भी चालू कर सकते हैं। अब हम चालू करेंगे और दिखाएँगे आप लोगों को। तो देखिए, हमारी LCD पर लाइट आ गई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के साथ हमारा वीडियो शेयर करें। ठीक है, तो देखिए अब पूरा बढ़िया सा काम कर रहा है, अभी हो गया। ठीक है, वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दें। अब इसको जो है बढ़िया से टेप मार के इसको चिपका देंगे तो जम्पर हिलेगा नहीं, नहीं तो बटन लगाएंगे उसके साथ अगर कोई भी कभी भी खोलेगा तो उखड़ जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया से उसे चिपका देंगे, हम तो इसे अभी चेक करने के लिए चिपका रहे हैं, फिर आप लोग इस पर बढ़िया से टेप मार के उसके बाद फिर बटन लगाएंगे, और एक बार और चेक कर ले रहे हैं बटन के ऊपर से कि मतलब बढ़िया बटन काम कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, पूरा बढ़िया से लग गया है, और लाइट भी दोनों जल रही है, काफ़ी तेज़ जल रही है। ठीक है,
तो हमारा काम हो गया है। अब देखिए पूरा एकदम बढ़िया से काम कर रही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।